लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गठित हुई चुनाव प्रबंधन समिति गोरखपुर क्षेत्रीय एवं लोकसभा स्तर पर होने वाले भाजपा के सातों मोर्चों के सम्मेलनों के प्रमुखों की एक महत्वपूर्ण बैठक बेनीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी सातों मोर्चों का सम्मेलन गोरखपुर क्षेत्र की 13 लोकसभा में प्रत्येक विधानसभा स्तर पर होगा, जिसमें उस मोर्चा से संबंधित वर्ग का विशाल सम्मेलन आयोजित होगा। उन्होंने सभी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी व जवाबदेही भी तय करते हुए कहा कि संगठन और समाज, सरकार और संगठन के बीच में आपसी सामंजस्य बैठाते हुए कार्य को संबोधित करना हम सभी का पहली प्राथमिकता है। इस अवसर पर पूर्व विधायक ललन त्रिपाठी, क्षेत्र कोषाध्यक्ष पुष्पदन जैन, क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य देवेंद्र पाल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश निषाद, हरिनाथ भाई, सज्जन मणि त्रिपाठी, क्षेत्रीय मंत्री विश्वजीताशु सिंह, आशु प्रदीप शुक्ला सहित मीडिया प्रभारी राहुल तिवारी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के की इस महत्वपूर्ण बैठक में गोरखपुर क्षेत्र और काशी क्षेत्र के महामंत्री संगठन सम्मानी रत्नाकर जी, जो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, हमारे व्यवस्था की दृष्टि से, चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से और अभी पूरे मार्च भर जब हम 13 लोकसभा क्षेत्रों में, एक लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा है, सभी में किसी न किसी विधानसभा में महिला मोर्चा के सम्मेलन है, युवा मोर्चा के सम्मेलन है, SC मोर्चा के सम्मेलन है, OBC मोर्चा के सम्मेलन है, किसान मोर्चा के सम्मेलन है, यानी उस लोकसभा में 5 विधानसभा में किसी न किसी मोर्चे के सम्मेलन होने हैं। उसकी दृष्टि से हमारे सभी मोर्चे के अध्यक्ष और हमारे क्षेत्र का एक पदाधिकारी आज उस कार्यक्रम की दृष्टि से इनको प्रभारी बना करके नीचे तक हमारे सम्मेलन ठीक हो, ऐसे सब दायित्व और धारी कार्यकर्ताओं को आज की बैठक में बुलाया है और उसी दृष्टि से अभी एक एक विषय पर ठीक ढंग से हमारा कार्य कैसे चलेगा, चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से एक एक विभाग के बारे में रत्नाकर जी ने विस्तार पूर्वक आपस चर्चा की है। जो मोर्चे के सम्मेलन होने हैं 13 लोकसभा में मिलाकर के 78 सम्मेलन अभी हमको इसी 15-20 दिनों के अंदर पूरे करने हैं, उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण बैठक है। प्रदेश ने वापस फिर गोरखपुर क्षेत्र को भी भेज दिया कि आपके क्षेत्र में सभी सम्मेलनों की तिथियां तय होंगी, लेकिन थोड़ी विसंगति ये आई है कि कोई जिला ऐसा है जिसमें लोकसभा की सीटें कई जिलों में होकर जाती हैं, जैसे बलिया एक है तो बलिया में 2 गाजीपुर की विधानसभा आती है, देवरिया की भी आती है और मऊ की भी आती है, तो ऐसा हुआ कि उसमें तीनों के तीनों जो किसान मोर्चा के सम्मेलन है वो बलिया में आते होंगे, तो ऐसा भी ना हो कि एक ही जिले में जैसे युवा मोर्चा के सब सम्मेलन एक ही जिले में तय हो जाए, एक ही जिले में किसान मोर्चा के सम्मेलन तय हो जाए, उसकी दृष्टि से भी अभी थोड़ी देखना है।